हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं अपने एक वेडिंग प्रोजेक्ट के कुछ पीसेस को आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की जो भी जर्नी रहा करेगी, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन्हें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट झुमकास जिनको आप यूज कर सकते हैं आगे आने वाले वेडिंग सीजन में। मैंने इनको सिलेक्ट किया है मेहंदी हल्दी के फंक्शन में गिफ्ट देने के लिए, लेकिन आप इन्हें पहन सकते हैं किसी भी आउटफिट को स्टाइल करते वक्त। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे झुमकों के स्टाइल मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे सिलेक्ट करने थे, तो मेरे पास बहुत लिबर्टी थी। और जो पहला स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया है गिफ्टिंग के लिए वो है ये झुमका। और ये है ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में ब्यूटिफुल झुमका। इसके सेंटर में जो है मीनाकारी का काम है, हल्के हल्के पिंक टिंच के साथ बेसिक पाउडर ब्लू के बेस पर बहुत ही खूबसूरत झुमका है। और आजकल आपको बहुत सारी जो आउटफिट्स हैं वेडिंग रिलेटेड आउटफिट्स ऐसे पेस्टल कलर्स में मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं ऐसी आउटफिट्स, तो आप ऐसे झुमकास में इन्वेस्ट कर सकते हैं उन आउटफिट्स को स्टाइल करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत पीस है। नेक्स्ट झुमका है ये कुंदन का झुमका। इसमें भी मीनाकारी का काम है कुंदन के साथ, कुंदन भी लगे हुए हैं। और सेंटर में जो इसका पार्ट है उस पे ब्लू डार्क ब्लू कलर का मीना का काम है। काफ़ी खूबसूरत ये झुमका है, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। जो पर्ल नीचे यूज़ किए गए हैं इस झुमका के अंदर, उनकी क्वालिटी भी जो है काफ़ी खूबसूरत क्वालिटी है। और ये जो स्टाइल होता है, जो ये राउंड स्टाइल है, ये ज़्यादातर लोगों के कानों में जो है खूबसूरत लगता है। आप इसे कह सकते हैं काफ़ी सेफ स्टाइलिंग। तो अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी शेप मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, तो आप ऐसी शेप्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट झुमका है ये मीनाकारी झुमका, और इसको आपने मुझे वीडियो में पहने भी देखा है क्योंकि ये मेरा काफ़ी फेवरेट झुमका है। ये है पेस्टल ग्रीन कलर में और इसके साथ रेड एंड डार्क ग्रीन कलर की जो मोती है वो नीचे इसकी बॉडी में लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मीनाकारी का काम है, साथ साथ इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मोती इसमें यूज किए गए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यूज किए गए हैं, काफी डेंस्ड है ये, काफी खूबसूरत झुमका आप इसे कह सकते हैं। और मल्टी कलर्स हैं इसके अंदर, तो आप काफी कलर्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और जब भी हम ऐसी एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमको थोड़ा कलर्स पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे कलर्स में इन्वेस्ट करें जो थोड़े न्यूट्रल कलर्स हों, जो कि कंट्रास्टिंग में भी अच्छे लगे हमारी आउटफिट्स के साथ और जो मैच भी हो सके हमारी आउटफिट्स के साथ। और नेक्स्ट झुमका है ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का झुमका। पहले इसमें ये रिंग है और उसके बाद नीचे ये झुमका स्टाइल है। और खासकर मुझे ऐसा लगता है जितने यंगस्टर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे स्टाइल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड ये मैंने फ्यूशिया पिंक कलर में ऑर्डर किया है। इसमें आपको और भी कलर्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएंगे, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अमेज़ॉन के ऊपर रिटर्न और एक्सचेंज बहुत ईजी है, आपके पास पूरा एक महीने का टाइम होता है रिटर्न और एक्सचेंज के लिए, तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। मैंने जो आज ये कुर्ता सेट पहना हुआ है ये इंडोवेरा से है, और इसके साथ भी ये बहुत ही ज्यादा जो है खूबसूरत लग रहा था जब मैंने इसको पहन के देखा। बट मैंने इसके बजाय इस इयररिंग को प्रेफर किया बिकॉज ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप वेस्टर्न इंडियन किसी के भी साथ पहन सकते हो। लेंथ जो है ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है, तो ये आप कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल स्टाइल है। मुझे ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं जिसमें बड़े बड़े स्टोन पीसेस लगे होते हैं, और ये तो सब मेरे फेवरेट हैं ही क्योंकि मैंने इनको सिलेक्ट किया है। और अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट झुमका की तरफ, जो कि मैं मेंशन करूंगी कि जब मैंने इस झुमका को ऑर्डर किया था तो जब मैंने पिक्चर में इस झुमका को देखा तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इसका काफी बड़ा साइज, लेकिन
पिक्चर में जो साइज दिखाया गया है वो काफी बड़ा है, बट ओरिजिनली जो इसका साइज है वो बहुत कुछ भी जो है बड़ा नहीं है, ये सिर्फ यहीं तक जो है आ रहा है। इसकी अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो 2 inches होगी, 2-2.5 inches, नॉट मोर देन दैट। तो जिन लोगों को बहुत बड़े झुमकास पहनना पसंद नहीं है उनके लिए ये काफी अच्छी चॉइस है, लेकिन जिन लोगों को काफी बड़े झुमकास पसंद है उनके लिए ये अच्छी चॉइस नहीं है। जो मीनाकारी की क्वालिटी है गोल्ड कलर की और ग्रीन कलर की वो काफी खूबसूरत है। जो नीचे स्टोन्स लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी भी जो है काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक क्वालिटी वाइज ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो पिक्चर में साइज है उससे ये डिफरेंट है। और नेक्स्ट झुमका है ये ब्लैक झुमका, ये भी काफी खूबसूरत झुमका है, लाइक कुंदन एंड ब्लैक मीनाकारी में इसको आप इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स जो हैं अवेलेबल हैं। और लाइक ये भी एक ऐसी लेंथ है जिसे कोई भी कैरी कर सकता है, ना तो ये बहुत बड़ी लेंथ है और ना ही बहुत छोटी लेंथ है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। कुंदन की क्वालिटी भी जो यूज़ की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और इस किस्म की पैकिंग में आपको ये झुमकास आते हैं, पैकिंग काफ़ी अच्छी है, लाइक गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें बबल रैप भी होता है, तो अगर आपको कहीं बाहर भी लेके जाना है सूटकेस में तो भी ये काफ़ी कन्वीनियंट पैकिंग होती है। और जो एक नया ब्रांड मैंने एक्सप्लोर किया अमेज़ॉन पर वो है आई ज्वेल्स, और इसकी भी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन क्वालिटी से ज़्यादा इसके स्टाइल्स अच्छे हैं, लाइक इस ब्रांड ने डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्वालिटी जो है ठीक ठाक है, प्राइस रेंज भी जो है वो इकोनॉमिकल है। वैसे सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ब्लू कलर का झुमका है और इसमें आपको काफ़ी सारे और कलर्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन ब्रांड ने थोड़ी सी कंजूसी करी हुई है, यहाँ पर जो स्टोन्स लगाए हुए हैं, जो मोती लगे हुए हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड नहीं है, लाइक कम लगाए हुए हैं, अगर और ज़्यादा जो मोती इसके ऊपर लगाए जाते तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो आप बात कर लेते हैं इस झुमका की, और इस झुमका में जो नीचे स्टोन्स लगे हुए हैं ग्रे एंड पर्ल में वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर का इसका पार्ट है उसके स्टोन से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल लुक में जो ये पीस है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप कुछ ऐसे मैचिंग में ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। और जो एक अलग चीज़ मैंने देखी इस ब्रांड के साथ कि इन्होंने जो ये झुमका दिया हुआ है इसमें आपको ये पीछे रबर दिया हुआ है इस तरीके का, जो कि काफ़ी डिफरेंट है, लाइक ऐसे रबर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छी आपको सपोर्ट देते हैं कानों के अंदर, लाइक आपके कान जो हैं दुखते नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत टाइट जब पीछे के पेच को कर देते हैं ऐसे एयररिंग्स के साथ तो कानों में काफ़ी दर्द हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इस ब्रांड ने दी है, लाइक रबर दिया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्रांड ने कंज्यूमर के बारे में सोचा है इस बारे में। और जो नेक्स्ट हमारा झुमका है वो है ये झुमका, ये है लाइट पेस्टल पिंक कलर का झुमका, और ये भी काफ़ी खूबसूरत झुमका है, और ये ब्रांड प्योरा से ही है, लाइट पेस्टल पिंक कलर, और ऐसे पेस्टल कलर्स की जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि खास बात होती है कि आप काफ़ी मिक्स एंड मैच कर सकते हो ऐसे पेस्टल कलर्स को, और आजकल ऐसे पेस्टल कलर्स काफ़ी इन हैं, जितने भी हम वेडिंग ट्रूजो के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनमें मैं भी काफ़ी ऐसे पेस्टल कलर्स को यूज़ कर रही हूँ, और आजकल ब्राइड्स भी बहुत ज़्यादा चूज़ कर रही हैं ऐसे कलर्स को। आई थिंक अनुष्का शर्मा स्टार्टेड दिस ट्रेंड, क्योंकि उन्होंने अपने वेडिंग वेयर के लिए जो सब्यसाची का लहंगा पहना था वो पेस्टल पिंक कलर में था, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि पेस्टल कलर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हैं जो ब्राइड्स हैं, और वो प्रेफर कर रही हैं अपने वेडिंग वेयर के लिए। और आप बाकी भी आउटफिट्स में लाइक ऐसे कलर्स को ले सकते हो, वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं वेडिंग सीजन में। और जो नेक्स्ट झुमका है वो है ये, आप इसको झुमका या लॉन्ग एयरिंग भी कह सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है ये, लाइक पीछे भी इसके जो पहनने की जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी डिफरेंट किस्म का एयरिंग है ये, लाइक ग्रीन एंड स्टोन, और काफ़ी रफ किस्म का स्टोन लगा हुआ है, ऐसा मोस्टली जो फैब्रिक ज्वेलरी होती है उसमें ऐसे स्टोन्स को यूज़ किया जाता है, तो मुझे इसका स्टाइल काफ़ी डिफरेंट लगा, पहनने में भी एक डिफरेंट यूनिक
यूनिक स्टेटमेंट इयररिंग आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग ऐसी ज्वेलरी प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर आप डिफरेंट लगना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे पीसेज में। इसमें क्योंकि मोती भी लगा हुआ है, एमरल्ड कलर है और वाइट कलर है, तो आप काफ़ी अपने आउटफिट्स के साथ मैच कर पाओगे इस इयररिंग को। और फिर रियासी का ही एक और स्टेटमेंट इयररिंग है जो मैंने आपको पहले के वीडियो में भी दिखाया था, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप कोई ऐसी आउटफिट पहन रहे हैं जो कि हाईनेक है, या आप साड़ी पहन रहे हैं हाईनेक के साथ, अगर आपका ब्लाउज फुल स्लीव्स है, काफ़ी कवर्ड अप कोई भी आपकी आउटफिट है, तो ऐसे बड़े इयररिंग जो होते हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ऐसी आउटफिट्स के साथ। और क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं इस झुमका के। और ऐसे जो बड़े इयररिंग्स होते हैं ना, जब भी आप इन्हें पहनते हो तो कोई भी ना आपको इग्नोर नहीं कर सकता, और फोटोग्राफ्स में ऐसे इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड दैट्स इट आज के लिए। और कौन सी एक्सेसरीज हैं या आउटफिट्स हैं जो कि आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो आप अपने जो सजेशंस हैं वो दे सकते हैं इस कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत एनकरेजमेंट मिलती है मेरे को जब भी आप कमेंट करके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी नए आइडियाज़ मेरे को इसी कमेंट बॉक्स से मिलते हैं। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं वन ऑन वन कोचिंग, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.